तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे आईपीएससी नॉमनक्लेचर की, और ये आईपीएससी नॉमनक्लेचर का हमारा 8वां वीडियो है, और हम लोग इसमें आईपीएससी नॉमनक्लेचर की बात करेंगे ऐसे कंपाउंड्स के लिए जो साइक्लिक हैं। अब वो चाहे साइक्लोएल्केन्स हो, साइक्लोएल्कीन्स हो, साइक्लोएल्काइन्स हो, या ऐसे साइक्लो कंपाउंड्स हो जिनमें फंक्शनल ग्रुप्स हो, हम लोग इस 8वें पार्ट में बात करेंगे आईपीएससी नॉमनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड्स। चलिए देखते हैं। देखिए जितने भी रूल्स मैंने आपको पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक पढ़ाए हैं, वो सारे रूल्स आप याद रखें, वही हमेशा सब कहीं लगते हैं। बस जब कंपाउंड बदलता है तो कुछ एक दो पॉइंट्स उस कंपाउंड के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। जैसे अगर हम साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए रूल्स की अगर बात करेंगे तो कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स में रूल एक्स्ट्रा होंगे जिनके हम यहां बात करेंगे, और बाकी वही सब रूल्स लगेंगे जो हम लोगों ने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक पढ़े हैं। जैसे अगर आप साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए नाम लिखते हैं तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा रूल लगने हैं जिनकी अगर हम बात करें। तो देखिए रूल 1 की अगर हम बात कर ले यहां, तो सबसे पहली बात आप याद रखिएगा, जो साइक्लिक कंपाउंड है उसमें जो रूट वर्ड होता है एल्क, उस रूट वर्ड से पहले एक प्रीफिक्स लगाया जाता है, या आप ऐसे कह लीजिए कि इसमें रूट वर्ड होता है साइक्लो एल्क, या आप कह लीजिए कि एल्क के पहले प्रीफिक्स साइक्लो, या आप सीधा रूट वर्ड ही कह लीजिए साइक्लो एल्क। तो कहा गया कि यूज प्रीफिक्स साइक्लो बिफोर रूट वर्ड दैट इज एल्क। रूट वर्ड एल्क से पहले, यहां पर नाम लिखने के लिए रूट वर्ड एल्क से पहले आपको साइक्लो वर्ड इस्तेमाल करना होगा। अब यहां पर एक बात और समझिएगा, अगर ये साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लिक कंपाउंड में हमेशा साइकिल पैरेंट चेन बने ऐसा जरूरी नहीं है, कभी साइक्लिक पैरेंट चेन भी हो सकती है और कभी पैरेंट चेन ओपन चेन भी हो सकती है। अब आप कहिएगा कि सर ये तो हम जानते नहीं थे, चलिए अभी आप जान जाएंगे। रूल 2, यहां मैं कुछ रिंग्स बनाकर आपको दे रहा हूं। रूल 2 है टू सेलेक्ट पैरेंट चेन एंड सब्स्टिट्यूट, पैरेंट चेन और सब्स्टिट्यूट क्या है इसको सेलेक्ट करने के लिए हम लोग आपको एक रूल 2 बता रहे हैं। देखिए मान लीजिए ये कोई भी साइकिल ले लीजिए, हम 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, कितने भी कार्बन की साइकिल है, मान लीजिए एक साइक्लिक रिंग है ये, और इसी साइक्लिक रिंग पर मान लीजिए एक चेन भी लगी हो, तो आप कैसे निर्धारित करोगे कि पैरेंट चेन इसमें रिंग होगी कि चेन होगी। देखिए अगर हमारे पास पैरेंट चेन को सिलेक्ट करना है तो आपको एक काम करना होगा, इस चेन में और इस रिंग में दोनों में कार्बन की संख्याएं अलग अलग गिनो। मान लीजिए इसमें कार्बन की संख्या कम है एज कंपेयर टू रिंग के, तो मान लीजिए यहां लेस कार्बन चेन है, और ये मोर कार्बन चेन है। अगर इस वाले में कार्बन कम है और रिंग में कार्बन ज्यादा है, तो इसमें जिसमें कार्बन कम होंगे वो उस वक्त बन जाएगा सब्स्टिट्यूट, और जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे वो बन जाएगा पैरेंट चेन। अब यहां पर एक बात और आती है, मान लीजिए दोनों में बराबर हो जाए तब क्या करोगे, ये हो गई R और ये हो गई रिंग,
मान लीजिए यहां पर कार्बन की संख्या और यहां पर कार्बन की संख्या दोनों जगह बराबर है, यानी कार्बन इसमें जितने हैं कार्बन इसमें भी उतने ही हैं। मान लीजिए इसमें कार्बन n है तो इस रिंग में भी कार्बन n है, ऐसे केस में ये सब्स्टिट्यूट ही रहेगा और ये पेरेंट चेन रहेगी। मतलब अगर आपके ओपन चेन और रिंग में ओपन चेन वाले में लेस कार्बन है तो वो सब्स्टिट्यूट, और अगर दोनों में कार्बन की संख्याएं बराबर है तब भी आपके पास ओपन चेन ही सब्स्टिट्यूट रहेगी। लेकिन ऐसा यहां नहीं होगा, याद रखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास कभी ऐसा हो जाए कि जो एल्किल ग्रुप यहां लगा है ये इसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो, मोर कार्बन हो, और यहां कार्बन इस रिंग में कम हो, लेस कार्बन हो, तो आई इस केस में ये पेरेंट चेन बन जाएगी और ये सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। याद रखिएगा इस बात को, अगर हमारे पास मोर कार्बन हुए इसमें तो ये पेरेंट चेन बन जाएगी। और रिंग उस वक्त आपकी सब्स्टिट्यूट बन जाएगी। तो फिर से ध्यान दें, अगर आपको पेरेंट चेन और सब्स्टिट्यूट सेलेक्ट करना है साइक्लिक कंपाउंड में, तो साइक्लिक कंपाउंड में जो कार्बन की चेन लगी है और जो रिंग लगी है, अगर कार्बन की चेन में कार्बन की संख्या कम है एज कंपेयर टू रिंग, तो कार्बन की चेन सब्स्टिट्यूट होगी और रिंग पेरेंट चेन होगी। अगर कार्बन की संख्या इस चेन में और इस रिंग में दोनों में बराबर बराबर हैं, तो भी कार्बन की जो चेन है वो सब्स्टिट्यूट होगी और जो रिंग है वो पेरेंट चेन होगी। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि कार्बन की संख्या इस चेन में ज्यादा हो और इस रिंग में कम हो, अच्छा हम यहां 6 कार्बन की रिंग ले रहे हैं, जरूरी नहीं सब कहीं 6 की ही होगी, तो ऐसे केस में अगर रिंग में कार्बन की संख्या कम है तो रिंग सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और जो चेन है वो पेरेंट चेन हो जाएगी। ठीक भाई, इसके बाद आप रूल 3 का एप्लीकेशन करेंगे, आप नंबरिंग करेंगे। रूल 3, अगर आपकी ये चेन पेरेंट चेन बन रही है तो नंबरिंग का रूल जो एल्केन एल्कीन एल्काइन्स यानी जो ओपन चेन कंपाउंड्स में पढ़ाया गया है सेम अप्लाई होगा। लेकिन अगर हमारी रिंग जो है वो पेरेंट चेन बन रही है तो नंबरिंग कैसे की जाएगी? अगर रिंग पेरेंट चेन बन रही है तो नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट। नंबरिंग हमेशा उस कार्बन से शुरू होगी जिस कार्बन पर सब्स्टिट्यूट है। नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ऑफ द रिंग। रिंग का जो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है नंबरिंग वहीं से शुरू की जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक रिंग है और इसके इस पोजीशन पर, या मान लीजिए इस पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूट लगा है CH3, तो नंबरिंग बेटा इसी कार्बन से शुरू होगी जिस पर सब्स्टिट्यूट लगा है 1, और उस तरफ चलिए जिस तरफ सब्स्टिट्यूट अगला वाला मिले, नहीं है तो आप दोनों में किसी तरफ जा सकते हैं 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए इसके अलावा कोई और कहीं पर सब्स्टिट्यूट होता तो जिधर से वो नजदीक होता उधर से हम नंबरिंग करते। इसके बाद आपको एक बात यहां और समझनी होगी रूल 4 में, जो नंबरिंग है उसमें रूल 4 की भी आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो रूल 4, देखिए रूल 4 में हम एक बात आपको समझाते हैं। मान लीजिए किसी भी कंपाउंड पर दो साइड चेन लगी है, मान लीजिए किसी कंपाउंड पर दो साइड चेन लगी, मान लीजिए एक ये लगा R
और एक मान लीजिए यहां पर लगा है R डैश। अगर किसी कंपाउंड पर दो साइड चेन लगी है तो हमेशा इन दोनों में से किस वाले से नंबरिंग शुरू करें, बात यह आ जाएगी। तो हमेशा उस कार्बन की साइड चेन से नंबरिंग शुरू की जाएगी जिसका नाम अल्फाबेटिकली पहले आता होगा, यानी इन दोनों साइड चेन में से नंबरिंग ऑफ कार्बन ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम दोज सब्स्टिट्यूटेड कार्बन आइटम विच हैव सब्स्टिट्यूट हूज अल्फाबेटिकल नेम कम फर्स्ट, जिसका अल्फाबेटिकली नेम पहले आता हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मेथिल है और एक एथिल है, तो एथिल का ई है और मेथिल का एम, तो आप नंबरिंग उस वाले कार्बन से करिएगा जिससे अल्फाबेटिकली नाम पहले आने वाला सब्स्टिट्यूट जुड़ा हो, मतलब एथिल और मेथिल, तो आप एथिल जिस पर जुड़ा है उससे नंबरिंग करिएगा, क्योंकि एथिल पहले आएगा और मेथिल बाद में आएगा। यानी अगर सपोज करिए कि एक पर एथिल है और एक पर मेथिल है, मान लीजिए हम यहां पर एक पर एथिल और एक पर मेथिल है, तो हम एथिल वाले से पहले नंबरिंग शुरू करेंगे। लेकिन ये रूल तभी तक लगेगा जब तक सिर्फ दो हैं। अगर तीन हैं, मान लीजिए एक आर डैश और एक ये हो गया आर डबल डैश, तीन हैं, तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तब यहां पर लोवेस्ट लोकेंट रूल ही काम करेगा, लोवेस्ट लोकेंट रूल। और ये भी याद रखिएगा कि इसमें आप अल्फाबेटिकली उस कार्बन से नंबरिंग शुरू करेंगे जिसका अल्फाबेटिकली नाम पहले आएगा, लेकिन आप नंबरिंग शुरू करने के बाद उसी तरफ चलेंगे जिधर से दूसरा ग्रुप पहले आए, हूज अल्फाबेटिकल नेम कम फर्स्ट, या इसमें और लिख लीजिए एंड यूज लोवेस्ट लोकेंट रूल। अल्फाबेटिकली जिसका नाम पहले आए नंबरिंग वहां से शुरू करेंगे और उस दिशा में जाएंगे जिस दिशा में दूसरे वाले ग्रुप को लोवेस्ट लोकेंट नंबर मिले। और अगर तीन हैं तो तीन वाले केस में हम सिर्फ लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाएंगे, उसमें फिर एथिल मेथिल प्रोपिल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, उसमें आप लोवेस्ट लोकेंट रूल लगा दीजिए। जैसे यहां से आप नंबरिंग शुरू करो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो एक को मिलेगा 1, एक को मिलेगा 2, एक को मिलेगा 4, लेकिन यहां से शुरू करोगे तो 1 2 3 4, तो एक को मिलेगा 1, एक को मिलेगा 3, एक को मिलेगा 4, दोनों में 1 1 कॉमन है लेकिन एक को 3 एक को 4, तो हम उधर से करेंगे जिधर से 1 2 और 4 मिले। जैसे आप समझ लीजिए, अगर इधर से शुरू करें तो 1 2 3 और 4 मिलेगा, जबकि अगर उधर से शुरू करें तो 1 2 3 और 4 मिलेगा। तो देखिए 1 4 1 4, लेकिन एक तरफ से 2 एक तरफ से 3, तो इधर से 2 कम है, तो ये 1 2 3 4 वाली जो नंबरिंग है रेड वाली ये गलत है, जो ब्लू वाली नंबरिंग है वो सही है, 1 2 3 और 4 ये नंबरिंग सही है, क्योंकि इसमें लोकेंट 1 पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है और 4 पर आ रहा है, जबकि इसमें लोकेंट 1 पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है और 4 पर आ रहा है। तो 1 2 1 4 2 4, यहां 2 और यहां 3, तो ये लोवेस्ट है, यानी ये वाली गलत है और ये वाली सही है। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल आप अप्लाई करेंगे अगर आपके पास ग्रुप 2 से ज्यादा है। चलिए एक बात और समझिए, अगर इसमें डबल बॉन्ड आ गए तो आप क्या करोगे, रूल 5, अगर डबल बॉन्ड है
तब आप क्या करेंगे। तो डबल बॉन्ड के केस में नंबरिंग हमेशा उस तरफ से शुरू की जाएगी जिस तरफ से डबल बॉन्ड हमारा पहले आता हो, या अगर एक ही डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड से ही नंबरिंग शुरू की जाएगी। बेटा रूल फाइव, रूल फाइव ऐसे कंपाउंड के लिए मैं बता रहा हूं जिसमें डबल बॉन्ड आता हो। तो अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो याद रखिएगा डबल बॉन्ड के केस में नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड से ही शुरू की जाएगी और उस तरफ चला जाएगा जिधर डबल बॉन्ड लाई कर रहा हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। मान लीजिए इसमें डबल बॉन्ड के साथ साथ कोई एल्किल ग्रुप भी लगा है या कोई भी ग्रुप लगा है, मान लीजिए एक ग्रुप लगा है यहां, तो यहां दो बातें हैं, यहां से नंबरिंग करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर मिलेगा इसको, यहां से नंबरिंग करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिलेगा। तो हमेशा नंबरिंग उस तरफ से की जाएगी जिधर से एल्किल ग्रुप को लोवेस्ट लोकेंट रोल मिले। तो डबल बॉन्ड वाले केस में नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम डबल और ट्रिपल बॉन्ड एंड यूज लोवेस्ट लोकेंट रूल। नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से ही शुरू करोगे और इस्तेमाल करोगे लोवेस्ट लोकेंट रूल, मतलब डबल बॉन्ड की नंबरिंग उस तरफ से करिए जिधर से साइड चेन को छोटा नंबर मिले। अगर यहां से शुरू करते यहां से तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिलता, यहां से शुरू करते तो 1, 2, 3 मिलता, तो इसका मतलब यहां से। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल का इस्तेमाल करते हुए आपको नंबरिंग करनी है डबल बॉन्ड से स्टार्टिंग करते हुए। अगली चीज आती है, अगर मान लीजिए इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा है, अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा है तो फंक्शनल ग्रुप के केस में नंबरिंग हमेशा वहां से की जाएगी जहां फंक्शनल ग्रुप पहले आए। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, तो आप जाहिर सी बात है पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चुनेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग शुरू करेंगे। तो अगर फंक्शनल ग्रुप लगे हैं फॉर फंक्शनल ग्रुप्स, ऑल रूल्स आर सेम। फंक्शनल ग्रुप के लिए सभी रूल पहले वाले ही हैं, ऑल रूल्स आर सेम एज नॉन साइक्लिक कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप के लिए सारे रूल्स वही हैं जो हमने नॉन साइक्लिक कंपाउंड से पढ़ाए थे। अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप लगा है तो जाहिर सी बात है फंक्शनल ग्रुप ही हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा, नंबरिंग वहीं से शुरू करोगे। अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा है तो जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बनेगा, फंक्शनल ग्रुप मोस्ट प्रायोरिटी, उसके रिस्पेक्ट में नंबरिंग की जाएगी एंड सो ऑन। सारी बातें वही फिर से दोहराई जाएंगी, अभी एग्जांपल में हम लोग देखेंगे। मान लीजिए यहां पर फंक्शनल ग्रुप के लिए एक बात इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए साइड चेन पर फंक्शनल ग्रुप है, जैसे सपोज करिए ये रिंग हो गई और फंक्शनल ग्रुप इस साइड चेन पर हो, ये देखिए ये रिंग हो गई और फंक्शनल ग्रुप इस साइड चेन पर है। अगर फंक्शनल ग्रुप साइड चेन पर है या उस साइड चेन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो साइड चेन ही उस वक्त पेरेंट चेन होगी भले ही वो कार्बन में छोटी हो। तो याद रखिएगा इफ साइड चेन हैव डबल और ट्रिपल और फंक्शनल ग्रुप, कॉमा द साइड चेन इज पेरेंट चेन। अगर कभी भी साइड चेन पर कोई फंक्शनल ग्रुप है या साइड चेन पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उस साइड चेन में भले ही कार्बन की संख्या कम हो,
भले ही रिंग में कार्बन की संख्या ज्यादा हो पर वो साइड चेन उस वक्त प्रिंसिपल चेन बनेगी, पैरेंट चेन बनेगी। बेटा रूल्स यहां पर आपको ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इन साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। एक बार मैं फिर से अपने शब्दों में दोहरा देता हूं, देखिए साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए जब आप नॉमेनक्लेचर करेंगे तो साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए वो सारे रूल लगेंगे जो मैंने आपको पार्ट वन से लेकर पार्ट सेवन तक जितने रूल्स पढ़ाए हैं सब लगेंगे। साथ ही साथ ये 6-7 रूल और लगेंगे। पहला केस समझिएगा, अगर साइक्लिक कंपाउंड है बेटा तो साइक्लिक कंपाउंड के नाम में जो रूट वर्ड एल्क इस्तेमाल होता है उस एल्क से पहले आपको साइक्लो प्रीफिक्स इस्तेमाल करना होगा, यानी अब यहां पर एल्क ना होकर साइक्लो एल्क वर्ड आ जाएगा। यानी साइक्लिक कंपाउंड का आईपीएससी लिखते वक्त हमारा जो एल्क है वो साइक्लो एल्क में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा बात, रूल टू टू सिलेक्ट द पैरेंट चेन और सब्स्टिट्यूट, अगर कभी साइक्लिक कंपाउंड के ऊपर साइड चेन भी लगी है तो साइड चेन और साइक्लिक कंपाउंड की जो रिंग है यानी रिंग और साइड चेन दोनों में से पैरेंट चेन कौन बनेगी उसके लिए कुछ बातें हैं। अगर हमारे पास साइड चेन में कार्बन की संख्या और रिंग में कार्बन की संख्या गिने तो रिंग में कार्बन की संख्या ज्यादा हो और साइड चेन में कार्बन की संख्या कम हो तो रिंग पैरेंट चेन बनेगी। अगर साइड चेन और रिंग दोनों में कार्बन की संख्या समान है बराबर है तो रिंग पैरेंट चेन बनेगी। अगर साइड चेन और रिंग में पैरेंट चेन को सिलेक्ट करने के लिए कार्बन की संख्या हमने गिनी और साइड चेन में कार्बन की संख्या ज्यादा है पैरेंट चेन उस वक्त साइड चेन होगी ना कि रिंग। यानी अगर साइड चेन में कार्बन की संख्या ज्यादा है तो साइड चेन पैरेंट चेन होगी, रिंग पैरेंट चेन नहीं होगी। साथ ही साथ नंबरिंग हमेशा आप रिंग की वहां से करोगे जहां पर सब्स्टिट्यूट लगा है। अगर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं लगा है, सिमेट्रिकल रिंग है तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, लेकिन अगर कोई सब्स्टिट्यूट लगा है तो आपको सब्स्टिट्यूट जहां पर लगा है जिस कार्बन पर उसी कार्बन से नंबरिंग करनी होगी। अगर आपके पास एक से ज्यादा यानी दो सब्स्टिट्यूट लगे हैं और दोनों सब्स्टिट्यूट सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी एक सब्स्टिट्यूट से नंबरिंग करिए और लोवेस्ट रूल लोकेंट रूल को इस्तेमाल करते हुए उस सब्स्टिट्यूट से नंबरिंग करते हुए दूसरे सब्स्टिट्यूट की तरफ जाइए जिधर वो पहले मिले दूसरा वाला। लेकिन अगर दोनों डिसिमिलर हैं तो फिर आप नंबरिंग उस सब्स्टिट्यूट से करिए जिसका अल्फाबेट में नाम पहले आता हो और उसे नंबर वन देकर उस दूसरे की तरफ जाइए जिधर वो नंबर में पहले आए लोवेस्ट लोकेंट रूल के अनुसार। लेकिन लोवेस्ट लोकेंट रूल इस वाले में अगर देखा जाए तो इस वाले में अल्फाबेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर दो से ज्यादा ग्रुप हैं तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर वाला रूल आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ लोवेस्ट लोकेंट रूल वाला रूल याद रखेंगे और उस ऑर्डर में नंबर करेंगे जिसमें लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई हो। अगर आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से ही नंबरिंग शुरू होगी। और याद रखिएगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में कम से कम होगा, तो इसलिए जब आप नंबरिंग शुरू करें तो पहला नंबर उस कार्बन को दें जिस कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है और दूसरा नंबर उस कार्बन पे जिस पर डबल बॉन्ड खत्म हो रहा है। अगर इस केस में साइड चेन भी लगी है तो हमेशा नंबरिंग इस तरह से करें कि साइड चेन को छोटा नंबर मिले और नंबरिंग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से ही शुरू हो और साइड चेन को छोटा नंबर मिले। अब साइड चेन को छोटा नंबर देने के चक्कर में यहां से ना शुरू कर देना नंबरिंग, क्योंकि हमने कहा है नंबरिंग हमेशा इस तरह से दी जाएगी कि जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है वो 1-2 पोजीशन पर आना चाहिए। तो यहां 1 यहां 2 तब इसे 3 मिलेगा। आप इसे 1 दे दो इसे 2 दे दोगे तो सर छोटा नंबर मिल गया, आपने डबल बॉन्ड को तो काउंट ही नहीं किया। डबल बॉन्ड को काउंट करते हुए साइड चेन को छोटा नंबर मिलना चाहिए। अगर कभी किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप 1 है 2 है 3 है 4 है कितने हैं, तो रिंग में अगर फंक्शनल ग्रुप लगा है तो रिंग में लगे हुए फंक्शनल ग्रुप सेम उसी तरह से कंसीडर किए जाएंगे जैसे नॉन साइक्लिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किए जाते थे। जो भी नॉन साइक्लिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप के लिए जितने भी रूल आपको पढ़ाए वो सारे यहां अप्लाई होंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। एक चेंज है रिंग को और साइड चेन को पैरेंट चेन के सिलेक्शन के दौरान। अगर कभी ऐसा हो कि पैरेंट चेन के सिलेक्शन के दौरान हम चेन जब सिलेक्ट कर रहे हो हमें यह दिखाई पड़े कि साइड चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप है, तो अगर साइड चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप है तो रूल 2 को भूल जाइए, यहां अपना ही खुद का रूल लगेगा। उस वक्त डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या
फंक्शनल ग्रुप रखने वाली साइड चेन ही पेरेंट चेन बनेगी, चाहे उसमें कार्बन की संख्या छोटी हो, बड़ी हो, बराबर हो रिंग के। फिर उस वक्त रिंग ही हमेशा सब्स्टिट्यूट बनेगी और जो फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रखने वाली साइड चेन है वही पेरेंट चेन होगी। बेटा इन सारे रूल्स को एक बार ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज करता हूं, आपको दिखाई पड़ेगा कि इन रूल्स के अनुसार साइक्लिक कंपाउंड्स का नाम हमने कैसे लिखा है। तो हम लोग आपके लिए एक एक्सरसाइज लाते हैं एक्सरसाइज, और उस एक्सरसाइज में हम बहुत सारे साइक्लिक कंपाउंड लेने वाले हैं, आप उनके नाम देखिए हम लिख रहे हैं। तो इसे रफ कर लेते हैं और रफ करने के बाद हम लोग करते हैं एक्सरसाइज। तो बेटा साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए मैंने एक यहां पर एक्सरसाइज लिख रखी है, इसमें बहुत सारे साइक्लिक कंपाउंड्स ले रखे हैं अलग अलग वैरायटी के। तो जरा हम लोग इनके नाम लिखना स्टार्ट करते हैं, जो भी रूल्स आपको हमने पढ़ाए हैं और जो पार्ट वन से लेके पार्ट सेवन तक पढ़ाए और पार्ट एट में जो एक्स्ट्रा रूल पढ़ाए उन सबको इस्तेमाल करेंगे और हम लोग इनके नाम लिखेंगे। आप लोग जरा ध्यान से देखिए, चलिए शुरू करते हैं भाई। ये हो गया पांच मेंबर की रिंग और उस पर जो साइड चेन लगी है वो एक कार्बन की है। अगर साइड चेन के कार्बन बड़े होंगे तो वो पेरेंट बनेगी और साइड चेन के कार्बन छोटे होंगे तो रिंग पेरेंट बनेगी, यानी यहां पर पेरेंट रिंग है। अब रिंग में जो साइड चेन लगी दोनों मेथिल है, यानी यहां से नंबरिंग शुरू करिए, यहां से नंबरिंग शुरू करिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि दोनों सेम साइड चेन लगी है, इसलिए नंबरिंग आप कहीं से भी शुरू करते हैं। लेकिन मान लीजिए हमने नंबरिंग यहां शुरू किया, इसे नाम दिया वन। अब वन देने के बाद हम इधर जाएंगे तो टू थ्री फोर फाइव नंबर इसे मिलेगा और इधर आएंगे तो इसे टू नंबर मिलेगा। लोवेस्ट लोकेंड रूल के अनुसार नंबरिंग जहां से शुरू करिए तो दूसरी वाली साइड चेन को छोटा नंबर जिधर से मिले उधर ही से नंबरिंग करिए। तो वन टू थ्री फोर फाइव, इसका नाम हो जाएगा वन टू डाई मेथिल, वन टू डाई मेथिल साइक्लो, पांच कार्बन तो पेंटेन, वन टू डाइमेथिल साइक्लो पेंटेन। चलिए इस वाले में आ जाइए, ये भी पांच मेंबर की रिंग है और इस पर दो साइड चेन है, एक एथिल और एक मेथिल। अल्फाबेटिकली हम ये कहते थे कि जब किसी भी साइक्लिक रिंग के ऊपर दो साइड चेन लगी हो अलग अलग कार्बन संख्याओं की तो जिस साइड चेन का नाम अल्फाबेटिकली पहले आए वहां से नंबरिंग स्टार्ट की जाएगी। तो इसका नाम एथिल है, इसका नाम मेथिल है, इसलिए नंबरिंग यहां से शुरू की जाएगी, इसको वन दिया जाएगा और लोवेस्ट लोकेंड रूल का इस्तेमाल करते हुए उधर जाइए जिधर मेथिल को छोटा नंबर मिले तो वन, ये मिलेगा टू, ये मिलेगा थ्री, ये मिलेगा फोर, ये मिलेगा फाइव। इसका नाम हो जाएगा वन एथिल टू मेथिल और पांच कार्बन तो साइक्लोपेंटेन। चलिए यहां आ जाइए, एक दो तीन ग्रुप लगे हैं, हमने कहा था जब दो से ज्यादा ग्रुप लग जाए तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखने की जरूरत नहीं है, फिर सीधे लोवेस्ट लोकेंड रूल देखा जाएगा। देखिए अगर इसे वन देंगे तो इसे टू, इसे थ्री, इसे फोर, तो लोकेंट आएगा वन पर, थ्री पर, फोर पर। इसे वन देंगे तो वन टू फोर लोकेंट आएगा वन पर, टू पर, फोर पर। और मान लीजिए इसे वन दे दें तो वन टू थ्री फोर फाइव लोकेंट फाइव पर चला जाएगा। इधर से लोकेंट छोटा आ रहा है, इसे वन, इसे टू, इसे थ्री, इसे फोर, फाइव और सिक्स। ऐसी सिचुएशन में आपका ये नाम हो जाएगा वन और फोर पर दो मेथिल और टू पर एथिल, नाम हो जाएगा टू एथिल वन फोर डाइमेथिल, वन फोर डाइमेथिल, छह कार्बन की रिंग है तो साइक्लो हेक्सेन, टू एथिल वन फोर डाइमेथिल साइक्लो हेक्सेन। इसमें आ जाइए, यहां इसे वन दोगे, इसे टू दोगे तो थ्री पर दो लोकेंट आ रहे हैं, इसे वन दोगे टू दोगे तो थ्री पर एक लोकेंट और वन पर दो लोकेंट आ रहे हैं, तो लोवेस्ट लोकेंट रूल के अनुसार इसे हम वन देंगे क्योंकि इस पर वन और थ्री हो जाएगा। यहां दे देंगे वन तो वन थ्री और थ्री हो जाएगा, तो वन थ्री थ्री वन
थ्री थ्री या 113 में 113 में और 133 में 113 113 छोटा है 133 बड़ा है, इसलिए लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट रूल के अनुसार 1 2 3 4 5 6 थ्री पर एथिल है, थ्री एथिल, वन पर दो मेथिल है तो 1, 1 डाइमेथिल और 6 कार्बन के रिंग तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। खूब सारे कंपाउंड लिख लिए तो नाम लिखने के लिए जगह बहुत कम बची है, साइक्लोहेक्सेन। तो ये हो गया 3 एथिल 1 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। चलिए इधर आ जाइए, ये 4 कार्बन की रिंग है और 3 कार्बन की साइड चेन है, तो साइड चेन में कार्बन की संख्याएं कम है इसलिए साइड चेन को हम सब्स्टिट्यूट और इसे रिंग को पैरेंट चेन मानेंगे। 1 2 3 कार्बन तो ये हो जाएगा प्रोपिल, प्रोपिल और 4 कार्बन की रिंग तो साइक्लो ब्यूटेन, ये हो जाएगा प्रोपिल साइक्लो ब्यूटेन। अब एक बात समझिएगा, इस वाले में आइए, 1 2 3 4 5 कार्बन की साइड चेन है और बेटा 4 ही कार्बन की रिंग है, तो अब की ये साइड चेन बनेगी, ये पैरेंट चेन बनेगी, तो इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन, जहां इसका नाम था, अब इसका साइड चेन यानी प्रीफिक्स बन जाएगा, अब इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटाइल और ये बन जाएगी चेन पेंटेन। तो ये हो गई 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन, तो ये हो गया पेंटेन और ये हो गया साइक्लोब्यूटाइल। जिस तरह से ये प्रोपाइल हुआ था 1 2 3 और ये चेन हुई थी 4 की, तो ये हुआ था आपके पास इस केस में 1 2 3 4, तो ये हो गई थी साइड चेन क्योंकि उसमें कार्बन कम थे, तो प्रोपाइल और ये हो गया था साइक्लोब्यूटेन। वैसे अब की ये हो गई चेन और ये हो गई सब्स्टिट्यूट, तो ये हो गया साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। वैसे यहां देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 और इस रिंग में है 3 ही कार्बन, तो रिंग में कार्बन कम है, तो इसका नाम होगा साइक्लो प्रोपाइल और ये आपके पास हो गया 4 कार्बन ब्यूटेन, और ब्यूटेन के किस पर लगी है तो 2 पर, तो 2 साइक्लो प्रोपाइल ब्यूटेन। चलिए इनका नाम देखिए, डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड से ही नंबरिंग शुरू हो गया, 2 ऑप्शन है, यहां से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 पर और यहां से नंबरिंग करें तो 1 2 3 पर। लोवेस्ट लोकेट रूल के अनुसार साइड चेन को छोटा नंबर मिले तो 1 2 3 4 5। अब इसका नाम होगा 3 मेथिल 5 कार्बन तो साइक्लोपेंट और 1 2 पर डबल बॉन्ड तो साइक्लोपेंटीन लिख दीजिए सीधे, क्योंकि आपको मालूम है कि जहां पर डबल बॉन्ड है वहीं से हमने नंबरिंग शुरू की होगी। चलिए लोवेस्ट लोकेट रूल के अनुसार अगर यहां से नंबरिंग करेंगे तो इधर से घूम के आना पड़ेगा, नंबर बड़ा मिलेगा, यहां से नंबरिंग करेंगे तो इधर से आना पड़ेगा, नंबर छोटा मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 तो ये नाम हो जाएगा 3 4 डाइमेथिल और 6 कार्बन तो साइक्लोहेक्स और 1 डबल बॉन्ड तो इन साइक्लोहेक्सीन। अब डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर पड़ रहा है, एक है तो उसकी पोजीशन नहीं बताना, क्योंकि जहां से डबल बॉन्ड है वहीं से नंबरिंग शुरू हुई है, 2 होते हैं तो पोजीशन बताते। चलिए इसमें देख लीजिए फंक्शनल ग्रुप लगा है कीटोन, तो जहां से फंक्शनल ग्रुप वहीं से नंबरिंग, इसका तो 1, अब उधर से घूम के आओगे तो इसे लोकेंड में बड़ा नंबर मिलेगा, इधर से आओगे तो लोकेंड में छोटा नंबर मिलेगा, तो 1 2 3 जिधर से छोटा मिले उधर से लिखा जाता है 5 6। इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल और 6 कार्बन साइक्लिक तो साइक्लोहेक्स और कीटोन है तो साइक्लोहेक्स एन ओन, एन हो गया प्राइमरी सफिक्स, ओन हो गया सेकेंडरी सफिक्स, तो साइक्लोहेक्सेनोन। चलिए इनमें आ जाइए, रिंग जरूर 6 कार्बन की है लेकिन जो साइड चेन है उसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो इसका नाम होगा 1, इसका नाम होगा 2 और रिंग हो जाएगी अब साइड चेन तो साइक्लो हेक्साइल।
साइक्लोहेक्साइल कितने पर? टू पर, तो टू साइक्लोहेक्साइल और इसका नाम है एथ, सिंगल बॉन्ड तो एन, कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड, टू साइक्लोहेक्साइल एथनोइक एसिड। देखिए कार्बन की चेन जरूर छह की थी रिंग, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप रख रहा है तो इसलिए रिंग साइड चेन बनेगी, यानी प्रीफिक्स बनेगा। इसमें आ जाइए, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल, चार कार्बन पर तो 4 साइक्लोहेक्साइल, इसका नाम 4 कार्बन तो ब्यूट, 2 पर इन है तो 2 इन, 1 पर ओइक एसिड है तो 2 इन ओइक एसिड, तो साइक्लोहेक्साइल ब्यूट 2 पर इन ओइक एसिड। यहां आ जाइए, ये भी 3 कार्बन का, ये भी 3 कार्बन का, अगर ये डबल बॉन्ड ना होता तो ये साइड चेन होती और ये होता पैरेंट चेन, क्योंकि जब सेम कार्बन हो रिंग और साइड चेन में तो साइक्लिक जो होता है वो पैरेंट चेन बनता है, लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड है और रूल 7वां कहता था कि अगर साइड चेन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप है तो फिर वो छोटी हो बड़ी हो बराबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैरेंट चेन वही होगी, तो पैरेंट चेन ये होगी 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 साइक्लोप्रोपाइल और पेंटीन, नहीं पेंटीन नहीं प्रोपीन, 3 कार्बन है प्रोपीन। चलिए यहां आ जाइए, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, अब अगर हम इसके नाम की बात करते हैं तो चलिए अगर हम इसके नाम की बात करते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है इस साइक्लो ब्यूटेन पर, तो नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4, तो बेटा 2 पर एथिल है तो नाम हो जाएगा 2 एथिल साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप है, नाम हो जाएगा 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो प्रोपाइल और इसका नाम है प्रोपेनोन, साइक्लो प्रोपाइल प्रोप सिंगल बॉन्ड एन और एक ओन तो ओन, साइक्लो प्रोपाइल प्रोपेनोन, प्रोपेनोन 3 कार्बन का है और कीटोन है तो जाहिर सी बात है 3 कार्बन के कीटोन में कीटोन दूसरे नंबर पर आएगा, तो उसे प्रोपेनोन 2 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम उसे सीधे लिख देते हैं प्रोपेनोन, तो साइक्लो प्रोपाइल प्रोपेनोन। तो ये बेटा आपके कुछ नॉमेनक्लेचर हुए, आप इन्हें ध्यान से देखिए और ये आपके पास हो गई ऐसे कंपाउंड की आईपीएससी जिसमें साइक्लिक रिंग्स आ रही थी, साइक्लोएल्केन साइक्लोएल्कीन साइक्लोएल्काइंस और ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप्स थे। तो ये हमारा हुआ पार्ट 8। अब इसके बाद बेटा पार्ट 9 और 10 जो आएंगे वो आएंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड, ट्राईसाइक्लो कंपाउंड और स्पाइरो कंपाउंड्स के लिए। तो हम लोग पार्ट 9 में बात करेंगे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड, और 10 में बात करेंगे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ ट्राईसाइक्लो कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, आमतौर पर कोई इसे बताता नहीं है बाईसाइक्लो ट्राईसाइक्लो या स्पाइरो, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बाईसाइक्लो ट्राईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड।